हम यहाँ त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच संबंधों को देखेंगे। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज ए सी बी ले रहे हैं। तो जब हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी, इसमें कोण सी जो है वो समकोण है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, अब पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एसीबी में हम जब पाइथागोरस प्रमेय ले, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। जब हम न्यून कोण थीटा ले रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा लंब हुई एसी और आधार हुआ बीसी। तो इस प्रकार हमारा पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर क्या होगा, कर्ण का वर्ग मतलब एबी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानि एसी का वर्ग धन आधार का वर्ग यानि कि बीसी का वर्ग। अब यदि इस समीकरण में हम ए बी वर्ग से पूरे में भाग दे दें तो फिर देखेंगे क्या होता है। इसके लिए हम लिख लें यहाँ पर कि उपरोक्त समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, उपरोक्त समीकरण में समीकरण को हम ए बी वर्ग से भाग देने पर, चलिए कर देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। ए बी का वर्ग है यहाँ पर, फिर से हमने लिखा ए बी का वर्ग ए सी का वर्ग बटे ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बटे ए बी का वर्ग। तो पूरे समीकरण में हमने ए बी वर्ग से भाग दे दिया। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बी बटे ए बी पूरे का वर्ग। घातांक के नियम से हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार ए सी बटे ए बी पूरे का वर्ग, बी सी बटे ए बी पूरे का वर्ग। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें प्राप्त हुआ था ए बी बटे ए बी पूरे का वर्ग बराबर ए सी बटा ए बी पूरे का वर्ग धन बी सी बटा ए बी पूरे का वर्ग। ए बी बटा ए बी है यानी कि हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है एक, उसका वर्ग इस प्रकार अभी लिख देते हैं हम। यहाँ पर आप देखें ए सी बटा ए बी यानी कि ये लंब भुजा और बटे हम कह रहे हैं कर्ण भुजा। जब हम लंब बटे कर्ण कह रहे हैं तो आप ये किसका मान होगा, जब आप लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो वो होता है त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा। तो आप ए सी बटा ए बी के स्थान पर लिख सकते हैं साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा का वर्ग। बिल्कुल इसी प्रकार जब हम बी सी को देखते हैं तो ये है आधार और ए बी पुनः कर्ण, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं क्योंकि ये आधार बटे कर्ण है तो ये लिख सकते हैं हम इसे कॉस थीटा। इन भुजाओं के अनुपात को कॉस थीटा के नाम से जाना जाता है। इसे पुनः इस प्रकार लिखा जा सकता है, ये हुआ एक, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये हमें एक त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच में संबंध प्राप्त हुआ। इस त्रिकोणमिति अनुपात के संबंध को आप थीटा के सभी मानों के लिए शून्य से लेकर, शून्य डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, इस त्रिकोणमिति अनुपात के संबंध को आप थीटा के सभी मानों के लिए 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के सभी मानों के लिए आप इसे चेक कर सकते हैं। आप इसमें थीटा का मान 0 डिग्री रखिए, फिर 30 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, इस तरीके से आप पाएंगे कि सभी मानों के लिए आपको ये संबंध जो है वो सत्य दिखाई देगा।
सत्य है। चलिए एक दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध ढूंढते हैं। इसके लिए पुनः हम पाइथागोरस प्रमेय से जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ था उसको देखते हैं। हमने देखा था ए बी का वर्ग बराबर, क्योंकि ए बी कर्ण है यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब ए सी का वर्ग और आधार बी सी का वर्ग। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं बार बार, हम इसे दिखा भी सकते हैं। ये हमारा कर्ण है, ये लंब और आधार। अभी हम ये जो लंब और आधार है ये न्यून कोण थीटा के सापेक्ष बता रहे हैं। अब यदि इस समीकरण में हम बी सी वर्ग से भाग दें, उपरोक्त समीकरण में बी सी वर्ग से भाग देने पर देखते हैं ए बी का वर्ग जो है बटे बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बटे बी सी का वर्ग और बी सी का वर्ग बटे बी सी का वर्ग। यहाँ देखिए इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ए बी बटा बी सी पूरे का वर्ग बराबर ए सी बटा बी सी पूरे का वर्ग। और यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं बी सी बटा बी सी पूरे का वर्ग इसे लिखा जा सकता है। इसे पुनः हल करने पर हमें ए बी बटा बी सी, आप देखिए ए बी यानी कि कर्ण बटा बी सी, कर्ण बटे आधार। त्रिकोणमितीय अनुपात में जब कर्ण भुजा और आधार भुजा का अनुपात इस प्रकार लें कि कर्ण अंश में हो और आधार हर में, तो वो होता है सेक थीटा। तो इसे लिखा जा सकता है सेक थीटा पूरे का वर्ग। बिल्कुल इसी प्रकार अब हम ए सी बटे बी सी की बात करें तो ए सी है लंब और बी सी जो है वो आधार है, यानी कि हम बात कर रहे हैं लंब बटे आधार, तो वो हुआ टेन थीटा। टेन थीटा पूरे का वर्ग धन, और ये बी सी बटे बी सी है इसलिए इसे लिखा जा सकता है एक का वर्ग। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें प्राप्त हुआ है सेक थीटा पूरे का वर्ग बराबर टेन थीटा पूरे का वर्ग धन एक। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, या ये लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार ये दूसरा संबंध हमें प्राप्त हुआ। अब थीटा के अलग अलग मानों के लिए यदि हम इस संबंध की बात करें तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर 90 अंश के लिए सेक थीटा और टेन थीटा जो होता है वह अपरिभाषित है। थीटा के 90 अंश के मान के लिए तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच हमें संबंध प्राप्त हुआ है यह थीटा के किन मानों के लिए सत्य होगा? यह शून्य से लेकर 90 से कम, 90 अंश से कम सभी मानों के लिए ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध हमें मिला है यह सत्य होगा। चलिए पुनः अगला संबंध ढूंढते हैं। फिर से वही प्रक्रिया, पाइथागोरस प्रमेय से हम समकोण त्रिभुज एसीबी में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो हमें मिलेगा ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। अब हम इस समीकरण में ए सी वर्ग से भाग देंगे, उपरोक्त समीकरण में
एसी वर्ग से भाग देने पर। देखते हैं क्या मिलता है। एबी का वर्ग बटे एसी का वर्ग बराबर एसी का वर्ग बटे एसी का वर्ग धन बीसी का वर्ग बटे एसी का वर्ग। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं घातांक के नियम से, एबी बटा एसी पूरे का वर्ग बराबर एसी बटा एसी पूरे का वर्ग धन बीसी बटा एसी पूरे का वर्ग। एबी बटा एसी चित्र में देखते हैं, एबी यानी कि लंब, एबी यानी कि कर्ण और एसी यानी कि लंब। तो कर्ण बटे लंब, जब कर्ण भुजा का अनुपात हम लंब भुजा से ले रहे हैं जबकि कर्ण अंश में हो और लंब हर में, तब आप ये किससे किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए लेंगे, ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा का वर्ग। बिल्कुल इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे एसी बटा एसी है तो ये लिखा जाएगा एक का वर्ग, और बीसी बटे एसी की जब आप बात करें तो बीसी है आधार और एसी है लंब, यानी कि हम आधार बटे लंब ले रहे हैं तो ये हुआ कॉट थीटा, कॉट थीटा का वर्ग। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक धन कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक अन्य हमें त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध प्राप्त हुआ है, और ये जो है ये थीटा के कौन से मानों के लिए सब सत्य होता है ये देख लें, तो आप देख जानते हैं कि कॉट जो है वो थीटा बराबर शून्य अंश के लिए कोसेक थीटा, और कॉट थीटा का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है। इसलिए यह जो त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध प्राप्त हुआ है यह थीटा के लिए शून्य से शून्य अंश से बड़े सभी मानों के लिए और 90 अंश और उससे छोटे सभी मानों के लिए यह सत्य होता है।